88 से और आज 20 हो गए, 20 तक मैं पार्टी के अनेक पदों पर काम की। यह है हमारे बिहार की पहली महिला उप मुख्यमंत्री रेणु देवी। इनका वीडियो आजकल बहुत वायरल हो रहा है और लोग इन्हें ट्रोल कर रहे हैं कि 2020 बोलने के बजाय इन्होंने 20,020 बोल दिया। लेकिन हम आज इनके कार्यों पे बात करेंगे, इनकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, करियर के बारे में बात करेंगे और राजनीति में इनके क्या क्या अनुभव हैं इनके बारे में बात करेंगे। आपको बताएं, रेणु देवी जो हैं भाजपा से आती हैं और 2020 में पहली महिला उप मुख्यमंत्री बिहार की वो बनी हैं। तो 1981 से हम शुरुआत करेंगे जहाँ से इनकी राजनीतिक हिस्ट्री जो है वो शुरू होती है। तो 1981 में सामाजिक जीवन से इन्होंने पर्दापण किया और इस दौरान चंपारण और उत्तर बिहार को कार्य क्षेत्र बनाकर सामाजिक कार्य किए, कई सामाजिक कार्य किए, खासकर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए इन्होंने हक की लड़ाई लड़ी। 1988 में बात करूं मैं तो दुर्गा वाहिनी के जिला संयोजक बनी और इस दौरान राम मंदिर आंदोलन में लगभग 500 महिला कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तारी भी दी। 1989 में भाजपा पश्चिम चंपारण महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी। 1990 में तिरहुत प्रमंडल में महिला मोर्चे की प्रभारी बना दी गई और 1991 में भाजपा प्रदेश महिला मोर्चा की महामंत्री बनी। 1992 में जम्मू कश्मीर तिरंगा यात्रा में शामिल हुई। 1993 में भाजपा बिहार प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष बनी। 1995 में पहली बार नौतन विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की तरफ से इन्हें उम्मीदवार बना दिया गया। 1996 में पुनः ये महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष बनी। 1996 में राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य बनाया गया। उसके बाद बिहार के सभी पर्वतीय राज्यों की महिला मोर्चा का प्रभारी इन्हें बनाया गया। 2000 में हम चले तो 2000 में बेतिया विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने इन्हें टिकट दिया और इन्होंने 10,500 मतों से वहां जीत पाई। 2005 की बात करें तो फरवरी व नवंबर के विधानसभा चुनाव में बेतिया से इन्हें विधायक चुना गया। 2007 में बिहार सरकार में कला एवं संस्कृति मंत्री बनी। 2010 के विधानसभा चुनाव में बेतिया से इन्हें पुनः जीत हासिल मिली और 2015 में बिहार विधानसभा का चुनाव में बेतिया से चुनाव लड़ी लेकिन इस बार वो चुनाव हार गई। वहीं हम बिहार में उनकी जो बाकी जो जातियां हैं, बिहार में इन्होंने नोनिया, बिंद, मल्लाह, तुरहा आदि जाति को पार्टी की विचारधारा से जोड़ा। तो ये रेणु देवी के कुछ उपलब्धियां हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं। 1982 से हमने शुरू किया, 2020 तक हम आकर थमे और 2020 में अब इन्होंने एक बड़ी जो हासिल की है जीत, मैं एक तरह से कहूँगी कि पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी है पूरे बिहार की। तो एक ये ऐतिहासिक बात भी है, साथ ही साथ एक बात बिहार में यह भी है कि दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं बाकी राज्य के तौर पे, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भी दो उप मुख्यमंत्री हैं तो इस बार बिहार में भी दो उप मुख्यमंत्री हैं। इनकी अगर हम पढ़ाई की बात करें तो बीए तक इन्होंने पढ़ाई की है, तो ऐसे में इनसे और भी उम्मीदें हैं जिस तरीके के इनके राजनीतिक इतिहास रहे हैं, वैसे में लोगों की उम्मीदें तो इनसे काफ़ी हैं और जिस तरीके से आजकल वो ट्रोल होते जा रही हैं तो शेयरिंग भी काफ़ी बढ़ रहा है इस वीडियो का और लोगों को उम्मीदें यहाँ से थोड़ी कम दिखाई दे रही है कि अगर वो शब्दों के जाल में फंस जाते हैं जिस तरीके से 2020 को वो 20,020 बोलती हैं तो आगे क्या करने वाली हैं। तो बिहार की जनता तो उम्मीद पे ही टिकी है, उम्मीद इनसे अभी भी रहेगी और हम भी ये उम्मीद करें कि हमारे बिहार के जो विकास में ये अपना योगदान पूरी तरह से दें। अगर दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं तो हो सके तो बिहार में इस बार विकास की जो रफ्तार है वो थोड़ी बढ़ जाए। आपको और भी खबरों से हम रूबरू करवाएंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एचएस बिहार के चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो हमारे फेसबुक पे जाएं, वहाँ भी हमारा पेज है, लाइक करें। इंस्टाग्राम पे जाएं एचएस बिहार के नाम से, वहाँ भी हमारे पेज को आप फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।